आज हम बनाने वाले हैं एक डस्टर। तो देखिए मेरा डस्टर, ये है वाइट बोर्ड का था इसलिए ब्लैक ब्लैक पड़ गया और ये भी निकल गया। तो आज हम इसे मैं इसमें फिर से डस्टर बनाने के लिए इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ब्लैक हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ कॉटन का ही यूज़ करूँगा। तो चलो बनाते हैं एक डस्टर। तो सबसे पहले मैंने एक कॉटन की लेयर ली और फिर उसे ऐसे फोल्ड किया। देखिए तो फोल्ड करने से पहले हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है ताकि ये निकले ना। तो देखिए ये अच्छे से फिट हो रहा है पर इधर थोड़ा कॉटन कम है इसलिए मैं पहले से ही डाल देता हूँ थोड़ा इधर ऐसे। तो पहले हम देख रहे थे कि ये अच्छे से फिट हो रहा है क्या। तो ये फिट हो रहा है, अब हम इसे काटेंगे। तो ये अच्छे से फिट हो रहा है, अब मैंने इसे कट भी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए मैं ग्लू यूज़ करूँगा, आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं इधर ये कॉटन है इसलिए मैं ग्लू गन नहीं यूज़ करूँगा। देखिए अब हम इस पर चिपकाएंगे, हमें धीरे से चिपकाना है। तो ये अच्छे से चिपक गया है, थोड़े थोड़े इसमें ये देखिए कॉटन रह गया है तो इसको अच्छे से शेप दे देते हैं। तो देखिए कितना इजी है एक डस्टर कॉटन का। तो चलो अब हम इसे टेस्ट कर देखते हैं। तो अब मैं मेरा इधर नाम लिखूंगा। तो अब हम इसको रफ कर देखते हैं। ओहो, एक ही झटके में पूरा साफ कर दिया इस डस्टर ने। एक बार फिर से लिख कर लेते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।